आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करेंगे भोपाल की ही, जहां कांग्रेस स्क्रीनिंग समिति की बैठक में बड़े नेताओं को चुनाव लड़ने की मांग उठी है। बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी के कई सदस्यों ने बड़े नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए इसकी मांग की गई है कि जो बड़े नेता हैं उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए। क्या अब बड़े नेता कांग्रेस के लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? अब खबर छिंदवाड़ा से आ रही है, जहां कमलनाथ का बड़ा बयान आया है। प्रमोद कृष्णम पर बड़ा बयान दिया है कमलनाथ ने। कहा कि कोई किसी पार्टी से बंधा नहीं, जिसको जहां जाना है जा सकता है। हाल ही में आपको बता दें, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया था कल्कि मंदिर में पूजन अर्चन के लिए, जिसके बाद उनका न्योता स्वीकार भी किया पीएम मोदी ने। अब कांग्रेस के सुर प्रमोद कृष्णम को लेकर बदलते हुए नजर आ रहे हैं और कहा कमलनाथ ने कि कोई किसी पार्टी से बंधा नहीं है, जिसको जहां जाना है वो जा सकता है। ये पार्टी तय करेगी, अभी कोई बातें तय नहीं है। सबसे चर्चाएं हो रही है, जो जीतता है उसे पार्टी उतारेगी। प्रमोद कृष्णन जैसे कांग्रेस के नेता भाजपा में आने की अटकलें हैं, तो इनपे मतलब क्या कहेंगे जो राजनेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थामे? अब सब स्वतंत्र हैं, कोई बंधे हुए तो किसी पार्टी से नहीं है। तो वही भारतीय जनता पार्टी ने क्लस्टर लीडर्स को प्रभार सौंपे हैं और सभी जो क्लस्टर्स हैं उनके लीडर्स को बदल दिए गए हैं। कोई भी नेता अपने क्षेत्र में अब क्लस्टर लीडर नहीं रहेगा। कैलाश विजयवर्गीय जो कि इंदौर से विधायक हैं, उन्हें जबलपुर का क्लस्टर लीडर बनाया गया है। उज्जैन में विश्वास सारंग, इंदौर के लिए जगदीश देवड़ा जो कि डिप्टी सीएम भी हैं, भोपाल में राजेंद्र शुक्ला जो कि डिप्टी सीएम है, रीवा में प्रहलाद पटेल जिन्होंने नरसिंहपुर से विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी, ग्वालियर से भूपेंद्र सिंह और सागर से नरोत्तम मिश्रा। भोपाल से बड़ी खबर आ रही है, जहां पीएम मोदी करेंगे लोकसभा चुनाव अभियान का आगाज। लगभग 11 फरवरी से बताया जा रहा है जब पीएम मोदी का एमपी दौरा होगा। प्रस्तावित है फिलहाल ये दौरा, आदिवासी बाहुल झाबुआ से करेंगे आगाज। आदिवासी वर्ग को साधने का प्रयास होगा। बीजेपी ने इस बार मिशन 29 का एमपी में नारा दिया है। तो मिशन 29, अगर बात करें बीते लोकसभा चुनाव की 2019 की, तो 28 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार मिशन 29 यानी कि पूरी सीटें जीतने का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इसके लिए अभी इंतजार है। इसका आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।